नमस्कार, हिमाचल अभी अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। कर्ज उठाने के बावजूद ओवरड्राफ्ट में फंसी हिमाचल प्रदेश सरकार अब पानी बेचकर कर्जा उतारने की तैयारी कर चुकी है। इसी कड़ी में बुधवार को मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में जल शक्ति विभाग के प्रमुख अधिकारी भी शामिल हुए थे। इन अधिकारियों से मुख्य सचिव ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में साइन किए एमओयू पर चर्चा की। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू यहां नदियों और खड्डों में बहते पानी को बार बार हिमाचल का बहता सोना करार दे चुके हैं। अब दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों को पानी देने की संभावना पर भी विचार हो रहा है, ताकि राज्य की आमदनी बढ़ाई जा सके। बिजली परियोजनाओं पर वाटर सेस लगाने के बाद पंजाब और हरियाणा के विरोध को झेल रही सरकार इस मुद्दे पर ऊर्जा सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बना चुकी है। ये कमेटी बिजली प्रोजेक्ट को संचालित करने वाली कंपनियों से संवाद कर आगामी 15 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। वहीं अब इस संभावना पर भी काम शुरू हो गया है कि प्रदेश में नदियों, नालों, खड्डों में बहते पानी को बाहरी राज्यों या उनके प्रतिष्ठानों को बेचकर प्रदेश की आमदनी बढ़ाई जा सके। इस संबंध में दिल्ली सरकार के साथ राज्य सरकार के जल शक्ति महकमे की ओर से किए गए एमओयू पर मंत्रणा की गई। इस समझौता ज्ञापन की तरह ही अन्य राज्यों के साथ भी उस संभावना पर काम करने के बारे में विचार किया गया, जिससे कि राज्य की आमदनी बढ़ सके। ये बता दें कि हिमाचल प्रदेश पर इस वक्त करीब 80,000 करोड़ रुपए का कर्ज बढ़ चुका है। वर्तमान में सरकारी कोष खाली है और ओवरड्राफ्ट की स्थिति बनी हुई है। सतलुज ब्यास लिंक नहर का पानी हिमाचल प्रदेश के रास्ते हरियाणा पहुंचाने के मुद्दे पर फिर एक और विवाद खड़ा हो गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस संबंध में हिमाचल के मुख्यमंत्री को एक प्रस्ताव दिया है कि इस पानी को हिमाचल के रास्ते हरियाणा पहुंचाया जाए। दरअसल पंजाब के साथ इस मुद्दे पर मतभेद के बाद ऐसा किया गया है। इस पर हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खट्टर के इस प्रस्ताव की निंदा करते हुए कहा कि जब हरियाणा इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट से विवाद जीत चुका है, तो क्यों नहीं पंजाब सरकार के खिलाफ अवमानना का केस किया जाता है। तो खबर में इतना ही। नमस्कार।